अच्छा, रिसेंटली एशियन चैंपियनशिप के एक मैच में भारत ने पाकिस्तान की हॉकी टीम को 4-0 से रौंद डाला। ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान से आई बच्चों की टीम के साथ खेल रहा था। क्या आपको पता है पाकिस्तान पिछले 7 सालों से भारत को हॉकी में नहीं हरा पाए हैं। पिछले 15 मैचों में इंडिया ने पाकिस्तान को 12 बार हराया है। 2 मैच ड्रॉ रहे हैं और 1 मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज भारत की टीम ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है और पाकिस्तान की टीम पिछले 2 साल से क्वालिफाई नहीं कर पाई। जो पाकिस्तान 4 बार हॉकी का वर्ल्ड कप जीत चुका है, आज वो हॉकी वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता। भारत आज हॉकी में दुनिया की 3रे नंबर की टीम है और पाकिस्तान 16वें नंबर की। भारत की हॉकी टीम को हॉकी खेलने के लिए उड़ीसा की सरकार ने 100 करोड़ की स्पॉन्सरशिप दे रखी है और वहीं पाकिस्तान हॉकी का हाल ये है कि उसके पिछले फॉरेन कोच ने सिर्फ इसलिए रिजाइन कर दिया क्योंकि पाकिस्तान हॉकी संघ के पास उन्हें तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं थे। और ये हाल आज सिर्फ हॉकी का नहीं है, दोनों मुल्कों को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। आप अर्थव्यवस्था से लेकर खेलकूद तक, फौजी ताकत से लेकर साइंटिफिक इनोवेशन तक, फिल्मों से लेकर कृषि, किसी भी चीज में दोनों देशों का कंपैरिजन कर लो, पाकिस्तान भारत के आगे कहीं ठहरता ही नहीं है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी फर्क को समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अलग अलग फील्ड में दोनों देश आज कहां टिकते हैं और क्या वजह है कि सिर्फ 30-40 साल पहले तक जो पाकिस्तान हमसे कई सारी चीजों में आगे हुआ करता था, वो आज पूरी तरह एक फेल राष्ट्र बन चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, सही लगे, तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखते हुए इसे और भी लोगों तक पहुंचाएगा, शेयर जरूर करेगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। दोस्तों, 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, फिर उसमें से बांग्लादेश भी अलग हुआ। हम आज के पाकिस्तान की अगर बात करें तो उसके पास कुल 4 स्टेट हैं। पाकिस्तान की 97% आबादी मुस्लिम है। पूरे देश में सिर्फ 4 राजकीय भाषाएं हैं, मतलब डाइवर्सिटी के नाम पर वहां ज्यादा कुछ है नहीं। मोटे तौर पर एक ही धर्म है, एक जैसा खान पान, एक सा पहनावा, और इतना सब कुछ एक है तो आप मान सकते हैं कि ऐसे देश में कलेश भी कम ही होंगे। वहां आम राय बनाना आसान होगा और वो देश ज्यादा तेजी से तरक्की करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप भारत की बात करें तो यहाँ 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 122 मेजर लैंग्वेजेस के अलावा यहाँ 1600 और जबानें बोली जाती हैं। जी हाँ, 1600 जबानें। इसके अलावा हमारे यहाँ 8 मुख्य धर्म हैं, उसमें हिंदू धर्म में बहुत सी जातियां हैं। मतलब अकेले इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है उतनी किसी एक देश तो छोड़िए, पूरे यूरोप में मिलाकर नहीं है। अब जब किसी देश में इतनी डाइवर्सिटी हो तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे अलग अलग फेथ मानने वाले लोगों को, इतनी भाषाएं बोलने वालों को, एक दूसरे से इतना दूर दूर रहने वालों को साथ लेकर चलना कितना मुश्किल होता होगा। घर में 4 लोग भी अगर हो ना, तो घर के मुखिया के लिए उन 4ों को साथ लेकर चलना भी सरदर्द होता है। बड़े मामले छोड़ो, नाश्ते में क्या बनाना है इसी में 4 लोगों की एक राय नहीं हो पाती। ऐसे में इतने बड़े देश में लोगों को एक साथ लेकर चलना, इतने मामलों पर उनकी एक राय बनाना और उन्हें इस बात के लिए कन्विंस करना कि उन्हें भारत नाम के देश के लिए एक विचार के लिए काम करना है, ये सच में कितना मुश्किल होगा सोच के बताइए। मगर इसे भारत का कमाल ही कहा जाएगा कि इन 75 सालों में 4 स्टेट और एक धर्म वाला पाकिस्तान जहां बुरी तरह फेल हो गया है, वहीं इतनी डाइवर्सिटी से भरा भारत हर फील्ड में उससे कहीं दूर निकल चुका है। वेल, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन साथ ही अपनी ओपिनियन से अगर पैसे कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करिए। क्रिकेट, क्रिप्टो, फुटबॉल, इनफैक्ट वेदर जैसे टॉपिक भी हैं जहां पर आप सिर्फ यस या नो में ओपिनियन देकर पैसे कमा सकते हो। जैसे एक सवाल है वहां पर प्रोबो ऐप पर कि क्या एशिया कप क्रिकेट मैच में इंडिया पाकिस्तान के सामने जीतेगी, यस या नो, इतने आसान से सवाल होते हैं। मैंने तो अपना ओपिनियन दे दिया है और क्वांटिटी बढ़ा के इन्वेस्ट भी कर दिया है, आप भी करो। और हां, अगर आप जीतोगे तो पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई से विड्रॉ भी कर सकते हो बढ़िया आसानी से। बस प्रोबो ऐप डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक हिंदी गाना है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये बात रिश्तों में ही नहीं दुनिया में भी लागू होती है। दुनिया भी उसी की इज्जत करती है जिसके पास रुपया है, जिसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जो दुनिया को कुछ दे सकता हो। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2027 तक ये जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। वहीं पाकिस्तान का हाल ये है कि उसे भीख का कटोरा मांगने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। फिगर्स की बात करें तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। वहीं पाकिस्तान की $300 बिलियन की भी नहीं है। मगर आपको पता है ये स्थिति हमेशा से नहीं थी। इनफैक्ट 1960 से लेकर 1980 तक पाकिस्तान हमसे बेहतर आर्थिक स्थिति में था। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एनुअली 6% के हिसाब से ग्रो कर रही थी और भारत की 4% के आसपास। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को तेल बेचने वाले अरब देशों से खूब पैसा मिला करता था। अमेरिका भी उस पर खूब मेहरबान था और उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से होने वाले कारोबार से भी उसे काफी पैसा मिलता था।
और यही वो वक्त था जब हमारी इकोनॉमी खुली ही नहीं थी, कई चीजों के एक्सपोर्ट पर बैन था, सरकार प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी पर चलती थी। 80 के दशक तक तो पर कैपिटा इनकम में पाकिस्तान भारत से भी आगे था, मगर धीरे धीरे ये हालात बदलते गए। पहले पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता बढ़ने लगी। 1990 के दशक में मनमोहन सिंह के बनने के बाद भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने लगे, भारतीय कंपनियों में कॉन्फिडेंस आया, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहां आई, देश में नौकरियां बढ़ी, भारत की अर्थव्यवस्था 4% से निकलकर 6-7-8 और 9% की रफ्तार से आगे बढ़ी। देखते ही देखते भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। इस बीच पाकिस्तान के अमेरिका से वैसे रिलेशन नहीं रह गए, वहां लगातार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी, धीरे धीरे उसकी पहचान आतंक फैलाने वाले देश के रूप में हो गई, मुल्क कंगाली के करीब पहुंच गया। उसकी हरकतों की वजह से उसे वर्ल्ड बैंक ने ग्रे लिस्ट में डालकर उधार देना बंद कर दिया। आवाम आटे तक के लिए सड़कों पर आ गई, हर चीज 3 गुना महंगी हो गई। आज हालात ये है कि पाकिस्तान को अपने खर्च पूरे करने के लिए रोजाना 14 अरब रुपए का कर्जा लेना पड़ता है। पाकिस्तान पर $140 बिलियन से ज्यादा का कर्जा हो गया है और देश कभी भी दिवालिया हो सकता है। वहीं भारत की आज की हैसियत यह है कि हम आज G20 देशों की मेजबानी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में डूबती अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत बिरला देश है जो अब भी खड़ा हुआ है। 2023-24 के लिए दुनिया में उसकी प्रेडिक्टेड ग्रोथ सबसे ज्यादा है, और जो भारत महज कुछ साल पहले प्रति व्यक्ति आय में पाकिस्तान से पीछे था, वही भारत 140 करोड़ की आबादी के बावजूद पाकिस्तान से 1.5 गुना आगे है। मतलब भारत की पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा आबादी है, फिर भी उसका हर आदमी एक औसत पाकिस्तानी से 1.5 गुना ज्यादा कमा रहा है। इसलिए मुझे हैरानी नहीं होती जब कोई सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ सचिन के लिए पाकिस्तान से भागकर नोएडा आ जाती है, और भारत से भागकर पाकिस्तान गई अंजू का प्रेमी नसरुल्ला ये कहता है कि वो अंजू के साथ भारत में रहने को तैयार है। प्यार अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि कोई भी भूखा तो नहीं मरना चाहता ना, बताइए। मैं वापस नहीं जा सकती, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। दोस्तों, जिस दौरान मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह अनवर उल हक पाकिस्तान के नए केयर टेकर प्रधानमंत्री बने हैं, और पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में है। इस तरह पाकिस्तान में 3 साल में 3 प्रधानमंत्री बदल गए। वहीं इसकी तुलना में भारत में पिछले 25 सालों में ही सिर्फ 3 प्रधानमंत्री हुए हैं। अभी 9 सालों से मोदी जी पीएम हैं। उनसे पहले 10 सालों तक मनमोहन सिंह जी थे, और उनसे पहले 5 साल तक वाजपेयी जी। ये कंपैरिजन ही अपने आप में बताने के लिए काफी है कि दोनों देशों में लोकतंत्र किस तरह चलता है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि भारत में भी कोई आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हम खुद पर बहुत गर्व करें, लेकिन हाँ ये भी सच है कि यहाँ चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। उन्हें इस बात का डर नहीं रहता कि आर्मी उनका तख्ता पलट न कर दे, पद छोड़ने के बाद उन्हें देश नहीं छोड़ना पड़ता। वहीं पाकिस्तान पर नजर डालें तो आजादी के बाद से पाकिस्तान में कभी चुनी हुई सरकारें नहीं रहीं। आजादी के महज 9 साल बाद ही आर्मी चीफ मोहम्मद अयूब खान उस वक्त के राष्ट्रपति अली मिर्जा की मदद से उस वक्त के प्रधानमंत्री को हटाकर खुद राष्ट्रपति हो गए। इसके बाद अगले 13 सालों तक पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं आ पाया। फिर 77 में जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने संविधान में काफी बदलाव किए, और उन्हीं के रहते पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता बढ़ने लगी। इसके बाद फिर 11 साल तक पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं आया, और 1999 में करगिल युद्ध की हार के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ की सरकार को पद से हटाकर खुद देश के सर्वे सर्वा हो गए, और 9 सालों तक इस पद पर वो बने रहे। इस तरह आजादी के 75 सालों में पाकिस्तान में 31 साल तक तो फौजी हुकूमत का राज रहा। उसके बाद जो सरकारें बनी वो भी उस फौजी हुकूमत की कठपुतली ही रही। ये वो फौजी हुक्मरान थे जो किसी भी कीमत पर ताकत अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते, जो हर वक्त पाकिस्तान की आवाम को भारत का खौफ दिखाकर इस्लाम की दुहाई देकर ताकत अपने हाथ में लेते आए हैं। बहुत सालों बाद जब इमरान खान जैसे किसी बड़े नेता ने इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाई तो उनका क्या हश्र हुआ, ये सबके सामने है। सच तो ये है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी की स्थिति है, इसी वजह से भारत पाकिस्तान के हालात कभी नॉर्मल हो ही नहीं पाए, क्योंकि भारत की सरकारें अक्सर यही शिकायत करती हैं कि पाकिस्तान में बात किससे करनी है हमें यही नहीं पता। यही वजह है कि एक देश के तौर पर आज पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। जो विदेशी नेता भी पाकिस्तान आते हैं वो भी जानते हैं कि वहां की सरकारें सिर्फ नाम की हैं। इसीलिए हर विदेशी नेता अपने दौरे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ से जरूर मिलता है। अब इसकी तुलना आप भारत से कर लीजिए। नरेंद्र मोदी आज भारत ही नहीं दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता है। हर पॉपुलैरिटी चार्ट में वो टॉप पर है। अमरीका उनको अपने यहाँ स्टेट गेस्ट बनाता है। यूरोपीय देशों के दौरे पर हेड ऑफ द नेशन उनका वेलकम करने आते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत शायद अकेला देश है जिसने किसी की साइड नहीं ली। दुनिया भर के दबाव के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदा। दुनिया की नाक में दम करने वाले चीन की आंख में आंख दिखाई।
भारत ही शायद अकेला देश भी है जिसके एक ही वक्त में रूस के साथ अमेरिका से भी अच्छे संबंध, जो चीन के साथ तो कारोबार करता ही है, जापान भी जिसका बड़ा बिजनेस पार्टनर है। पाकिस्तान के लाख भड़काने के बावजूद कतर से लेकर सऊदी अरब और कुवैत तक उसके सबसे अच्छे संबंध हैं। यहाँ तक कि मोदी की एक खास छवि होने के बावजूद पाकिस्तान तक में उनके बड़े फैन हैं, जो मानते हैं कि हमें भी मोदी जैसा लीडर चाहिए। इसके अलावा कोई भी फील्ड उठाकर आप देख लो, ऐसा लगता है कि हॉकी की तरह पाकिस्तान ने हर फील्ड में भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। भारत से तमाम नफरत के बावजूद पाकिस्तान के सिनेमा हॉल हमारी फिल्मों के दम पर ही चल रहे हैं। भारतीय फिल्में न चलाएं तो उनके हॉल बंद हो जाते। दोनों देशों में क्रिकेट बड़ा खेल है। एक तरफ भारत ने IPL के तौर पर दुनिया को सबसे बड़ी क्रिकेट लीग दी है, जिसमें सबसे कम पैसे पाने वाला खिलाड़ी भी PSL के सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले खिलाड़ी से ज्यादा अमीर है। यहाँ तक कि इस साल शुरू हुए विमेन्स IPL में हमारी महिला खिलाड़ियों को भी PSL के टॉप प्लेयर से ज्यादा पैसा मिल रहा है। 90 के दशक में भारतीय खिलाड़ियों पर पाकिस्तान का हवा हुआ करता था। आज हालात ये है कि इक्का दुक्का मैच छोड़कर पाकिस्तानी टीम हमसे जीतती तक नहीं। आज हमारी स्पेस एजेंसी इसरो की तुलना नासा जैसी बड़ी एजेंसी से की जाती है। वो चंद्रयान जैसे बड़े मिशन चलाकर दुनिया को हैरान कर रही है। हम मंगल तक पहुंच चुके हैं, वहीं पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का कोई नाम तक नहीं जानता। मेडिकल सुविधाओं में भी इंडिया के आगे पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं है। सच तो ये है कि बहुत बड़े लेवल पर पाकिस्तानी हर साल इलाज करवाने भारत आ रहे हैं। भारत में आज 70,000 से ज्यादा प्राइवेट और सरकारी अस्पताल, पाकिस्तान में कुल मिलाकर सिर्फ 8,000 अस्पताल हैं। उनमें से भी आधे अस्पताल खुद बीमार हैं। 2021 तक की बात करें तो भारत का फार्म एक्सपोर्ट $25 अरब तक पहुंच चुका था। कोविड के टाइम पर जहां पाकिस्तानी चीन से मिलकर घटिया मास्क और घटिया वैक्सीन का रोना रो रहे थे, वहीं भारत ने 100 से ज्यादा देशों को कोविड की वैक्सीन मुफ्त में देकर करोड़ों लोगों की जान बचाई। ये हैसियत है भारत की और ये हाल है पाकिस्तान का। दोस्तों, इस सारी तुलना का, सारे कंपैरिजंस का मतलब ये कतई नहीं है कि हम ये बताएं कि देखिए भारत कितना महान है, हम कितने परफेक्ट हैं और यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि इन 75 सालों में हम भी जहाँ हो सकते थे उसके आसपास भी नहीं पहुँचे। हमारे आसपास आजाद हुए देश कहाँ से कहाँ चले गए। दूसरे वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हुआ जापान सिर्फ 20 सालों में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कोरिया भी महज 3 दशक में एक विकसित देश बन गया, लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ हमें होना चाहिए था। मगर धीरे धीरे सही हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी हम इंडियंस अपने पेस से ही हर काम करते, मगर हम कर तो रहे हैं। लेकिन एक टाइम पर हमारा ही हिस्सा रहा पाकिस्तान, तो जैसे बर्बाद ही हो गया। उसके पास हमसे कम चैलेंजेस थे, हमसे कम आबादी थी, हमसे ज्यादा उपजाऊ जमीन थी, मगर वो कुछ नहीं कर पाए। उनकी मजहबी कट्टरता ने, उनके भ्रष्ट फौजी अफसरों ने, उनकी निकम्मी सरकारों ने, हिंदुस्तान के लिए उसकी नफरत ने उसे बर्बाद कर डाला। पाकिस्तान इस बात का बेहतरीन एग्जाम्पल है कि सब कुछ पास होते हुए भी कैसे एक देश सिर्फ अपनी सोच की वजह से बर्बाद हो सकता है। उम्मीद है पाकिस्तान टाइम के साथ अपनी इस बर्बादी से सबक लेगा। कश्मीर की जिद में खुद को और बर्बाद नहीं करेगा, बलूचों के साथ इंसाफ करेगा, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज को भी इंसाफ देगा। ये भी समझेगा कि दूसरों के विश्वास अलग हो सकते हैं, उनके ऊपर वाले को मानने के तरीके, पूजने के तरीके अलग हो सकते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तानी सरकारों पर मुस्लिम विरोधी होने का कितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले, लेकिन ये भी सच है कि पूरी दुनिया में आतंकी हमलों में मरने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान में ही मारे जाते हैं और उन्हें मारने वाले भी उन्हीं के मजहब से ताल्लुक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आने वाले सालों में अपनी इन तमाम गलतियों को समझेगा और एक बेहतर मुल्क बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों से और सबसे जरूर शेयर करिएगा और अपना ओपिनियन भी जरूर दीजिएगा कि वीडियो लगी कैसी आप। और हाँ, ओपिनियन देने के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है प्रोबो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा ₹25 का। जी हाँ, फिर कई सारे टॉपिक्स हैं, यस या नो में ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे आपके हो सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करो प्रोबो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।